हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 77 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और ग्रे कलर के थंब के बटन को नीला कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तभी हमें जो डॉग होता है वो निन की पार्टी को एक स्ट्रिप्चर टाउन में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है, हे ब्रदर, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ये टाउन का नाम सैंड स्कल्पचर है। इसको देखने के बाद लिन सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या ये है सैंड स्कल्पचर टाउन? यहाँ पर हर जगह सैंड से बनी हुई बिल्डिंग होती है और सैंड से बने हुए पुतले भी होते हैं हर जगह, मतलब एकदम रेतीले पुतले, रेतीला घर, सब कुछ रेत रेत का बना हुआ होता है। इसको देखकर लिन सरप्राइज होता है और बोलता है, यहाँ पर तो हर चीज सैंड की बनी हुई है। अच्छा, तो अब समझ में आया कि इस जगह को सैंड स्कल्पचर क्यों कहा जाता है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जो लिन होता है और लिन की टीम मेंबर्स होते हैं उन्हें किसी जगह किसी की पावर ने घेर लिया होता है चारों तरफ से और सैंड की दीवारें बन जाती हैं उनके तरफ। और तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी वहां पर निकलता है और हंसते हुए उससे कहता है, हा 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 हा, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया सैंड डॉग, आखिरकार हमने कुछ इंट्रूडर्स को पकड़ लिया है, घुसपैठियों को। और तभी हमें दिखाया जाता है जो बड़ा होता है, ये अंकल जी होते हैं ना, वो बी रैंक के हाई सैंड कंट्रोल साइकिक पावर वाले वैन गेस्सोवेन का नाम। जिसको देखकर लिन गुस्सा होते हुए मन में सोचता है, बोलता है, मुझे विश्वास नहीं होता मुझे इस कुत्ते के द्वारा ट्रिक कर लिया गया है और दुश्मन हमारा जो है वो साइकिक पावर का है। तभी जो अंकल होते हैं, अंकल जी होते हैं ना, वो उससे इंट्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन, और उससे बोलता है, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ आर्ट हूँ और मैं मास्टर ऑफ द स्कल्पचर हूँ और सारे के सारे जो स्कल्पचर है वो मेरे द्वारा बनाए गए और मेरा नाम वैन गेस्सो है। तुम सभी के सभी फॉरेनर मेरी जगह पर आए हुए हो और तुम यहाँ पर घुसपैठ कर आ गए हो। आज मैं तुम सभी को अपनी पावर दिखाऊंगा और तुम सभी को सैंड स्कल्पचर में बदल दूंगा, सैंड की मूर्तियों में, रेतीली मूर्तियों में। तभी जो कोनिया कोको होती है वो उससे बोलती है, लिन, अब हमें क्या करना चाहिए, इसका जो साइकिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और ये तो बिल्कुल साइको लगता है और कुछ नहीं, और ऐसा लगता है मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया हुआ है ये। तभी जो लिन होता है उसे कहता है, और तो और ये बंदा वाकई में मिडल एज डिसीज से, मतलब बीमारी से गुजरता हुआ लग रहा है, ये बड़ो कहीं का। तभी जो उसका सिस्टम है वो ट्रिगर होता है और उसे मिशन दे देता है और बोले लगता है, तीन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चुनो। पहला ऑप्शन होता है कि इसको वायलेंटली रेजिस्टेंस करो, मतलब गुस्से में इसका जवाब दो अच्छे से और तुम्हें पॉइंट मिलेंगे 17। तुम्हारा सेकंड ऑप्शन है, जल्दी कुछ भी मत करो, वहीं पर बैठ जाओ, पॉइंट है 10। तीसरा ऑप्शन है इसका स्क्रिप्चर बन जाओ, मतलब इसके साथ इस मूर्तियाँ बनाने का टूर्नामेंट रखो और इससे जीत कर दिखाओ उसका टूर्नामेंट, और तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो गुड और ईविल कॉइन मिलेगा जिसका हेड वाला इफेक्ट करेगा, रेनफोर्समेंट का इफेक्ट करेगा और जो टेल्स वाला हिस्सा है वो कर्ज का इफेक्ट करेगा। इसको सुनने के बाद जो लिन होता है वो मैं सोचता है, बोलता है, ये गुड एंड ईविल कॉइन कुछ तो मज़ेदार लग रहा है इसमें, मुझे शायद कुछ भी हो जाए, ये मुझे चाहिए शो ऑफ करने के लिए, तो मैं नंबर 3 चूज़ कर सकता हूँ। और तभी जो लिन होता है अपनी डरावनी स्माइल उससे मारते हुए कहता है, वैन गेस्सो, सही कहा ना, तुम वाकई में एक साइकिक हो, तुम बस एक नल्ले हो जो कि रेत को कंट्रोल करता है, और तो और तुम ये क्लेम करती हो कि तुम गॉड ऑफ आर्ट हो। जिसको सुनने के बाद वो वैन गेस्सो है गुस्सा होने लगता है और उससे बोलता है, तुम मेरे पास बस झूठा इल्जाम लगा रहे हो, तुम बकवास किए जा रहे हो मेरे खिलाफ और कुछ भी नहीं। तभी जो लिन होता है उससे कहता है, आर्ट को चुराने वाला बंदा अभी भी कह रहा है कि वो सच सच है, वो अच्छा बंदा है, क्या तुम्हारे पास गट्स है, मतलब तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे कम्पीट कर सको, मैं तो तुमसे अच्छे बेहतर टॉयज बना लेता हूँ। जिसको सुनने के बाद जो घास है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रहे हो। तभी जो लिन मतलब जो होंगे होती है उसकी तरफ देख के मन में सोचते हैं, बोलती है, मुझे लगता है ये जो लिन है वो फिर से किस तरीके का बुरा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है इसके साथ। तभी जो कोको होती है वो खाते हुए उससे कहती है, लेकिन अगर तुम इससे कम्पीट करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई भी रेफरी नहीं है। तभी फॉक्स उससे कहती है, सही कहा सही कहा, यहाँ पर ज़रूर एक रेफरी तो होना ही चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो वैन होता है वो उससे कहता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, यहीं पर रुको आप कुछ देर के लिए। और तभी जो वैन है वहाँ के रूल्स बताता है, यहाँ पर मैंने 3 थीम रखी हुई हैं, उन तीनों में से अलग अलग चीज़ें हैं, तो जो हमारा कंपटीशन का जो रेफरी है वो स्कोरिंग सिस्टम है और जो बिल्कुल ही फेयर है, अगर तुम हारते हो तो तुम मेरे डिस्पोजल बन जाओगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जो लिन होता है उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, ये डील रही हमारी, अगर मैं जीता तो तुम मुझे वो चीज़ बताओगे जो मैं जानना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उन रेफरीज को, 3 रेफरी वहाँ पर हुए होते हैं जिन्हें रस्ते में से उठा लिया जाता है, और तभी मैच हमारा कंपटीशन स्टार्ट होता है। और जो हमारा पहला जो कंपटीशन है उसका नाम है इनकार्नेशन ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर पेड़ कौन उगाता है। तभी जो लिन होता है उससे बोलता है, हे लिटिल ग्रीन,
हम ये थीम हमारे लिए है और इसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी रोज उससे कहती है मैं आपकी मदद करूँगी डैड। तभी हमें दिखाया जाता है जो वायरस को देख रहा होता है और उससे मन में सोचते बोलने लगता है ये किस तरीके का ग्रुप ऑफ एमेच्योर्स बंदे हैं, मतलब अभी तक मैच्योर भी नहीं हुए हैं, मैं जरा देखता हूँ तुम किस तरीके का स्क्रिप्चर बनाते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है वो डन कर देता है और बोलता है अगर मैं डन हो गया। तभी जो गेस्ट होता है वहाँ पर आता है और बोलता है इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं तुम्हारा स्क्रिप्चर मास्टरपीस। और तभी जो गेस्ट होता है उससे बोलता है चलो अब हम रिजल्ट देखते हैं, हम जाते हैं जजेस के पास। तभी जो गेस्ट होता है उससे बोलता है कि जो ये चीज़ मैंने बनाई हुई है जो इस स्क्रिप्चर में लव के बारे में मतलब प्यार के बारे में बताया गया है और प्लांट के बारे में और मैंने इसका नाम दिया है ग्रास क्यूपेड। तभी जलिन उसे अपना इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है ये हमारा मास्टरपीस जिसे मैंने और लिटिल ग्रीन ने बनाया हुआ है, इसका नाम है म्यूचुअल जर्क ऑफ बेबे। और तभी सारे तीनों की तीनों पॉइंट देना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं जो वैन गस्सो के 90 पॉइंट और लिन लैक के 95 पॉइंट। इसको देखने के बाद वो कहते जो गस्सो होता है बोलता है क्यों भाई तो किसको इतने ज़्यादा पॉइंट कैसे मिले। तभी जो लिन होता है उससे कहता है जो लिटिल वो एनिमल्स की जो चाहते वो हमारी तरफ है, हम जीतेंगे जरूर। तभी जो होंगे होती है उसके आती है और बोलती है क्या सच में इसमें कुछ ऐसा है प्राउड करने लायक। तभी जो बंदा होता है गेस्टो उससे बोलता है मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा चलो फिर से करते हैं। और जो सेकंड राउंड होता है उसमें होता है इमेज ऑफ द ग्रेट बियर। और तभी जो गेस्टो होता है उसका क्लियर हो जाता है बनाना और वो बना लेता है और बोलता है ये मेरी ग्रेट सक्सेस है, मैंने बियर को बना लिया है जो कि इस दुनिया पर राज करेगा और इस बार मैं ज़रूर जीतूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है लिन को जो उसका बियर होता है ना वो तो अलग ही होता है लेकिन लिन की तो बियर नहीं होती है भाई बियर नहीं। और बोलता है लिन तभी उससे बोलता है तुम बाकी एनिमल्स के बारे में कुछ नहीं जानते हो, जो मेरा वर्क है वो सच में रियल आर्ट है, जो इसने बियर है उसको राब पहना दिया और कुछ नहीं, ये कतई जहर लग रहा है ना। तभी हमें दिखाया जाता है सारे के सारे एनिमल जो जानवर होते हैं जो जज होते हैं उनकी आँखों में थड़क जागना स्टार्ट हो जाती है। तभी वैन गस्सो के पॉइंट 79 होते हैं और लिन के 99। इसको देखने के बाद वो वैन गस्सो बहुत ज़्यादा डर जाता है मतलब रोना स्टार्ट करता है और बोलता है अभी यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी लिन उससे कहता है तुम सच्ची में बड़े बड़े संतरों का बड़े बड़े वाटरमेलन्स का मजा ही नहीं जानते हो अभी तक। तभी हमें दिखाया जाता है कोको उसके पास आती है और बोलती है यहाँ के जो स्मॉल एनिमल्स हैं मतलब जानवर छोटे छोटे वो भी सच में बिग ब्रिज मतलब बड़े बड़े मेलन्स को पसंद करते हैं, समझ गया वो बैलेंस का मतलब तो तरबूजे। अरे अब ना ही बोलो तो बढ़िया है खुद ही सब जानते हैं आजकल के हमें पता है सारे सारे भाई लोग ऐसे ही हैं सब समझ जाते हैं क्या कहना चाहते हैं ना। तभी हमारा थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड का नाम होता है द बिलेव ऑफ ह्यूमैनिटी। तभी जो हमें दिखाया जाता है जो गेस्ट होता है वो अपनी स्क्रिप्चर बना देता है पोज मारते हुए और बोले लगता है मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो सब वो मेरी है, मैं खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैंने अपनी वो बनाई है मूर्ति। तभी हमें दिखाया जाता है लिन को, लिन हंसते बोलता है मेरा भी काम डन हो गया चलो देखते हैं क्या बनाया इस बड़वे ने। और तभी हमें दिखाया है लिन ने होंगे की मूर्ति बनाई होती है और बोलता है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मेरी वाइफ है जिसका नाम रेड लीफ है। भाई का तई जहर बनाया है ना एकदम रियलिटी बारीक से बारीक चीज़ को चुन कर इसने चुना है और अपना मास्टर पीस उसे मतलब दिखाता है। इसको देखने के बाद जो होंगे होती है वो थोड़ी सफेद होती है और शर्माने लगती है और बोलती है लिन और इनका रोमांस चालू हो जाता है फिर से। तभी हमें दिखाया जाता है जिसको देखने के बाद जो सभी जानवर उनकी ठड़क एकदम आसमान लेवल पर पहुंच जाती है और बोलते हैं ये ब्यूटी रेस है उसमें लिन फिर से जीत गया उसको 100 पॉइंट मिलते हैं और जो गेस्ट होता है उसे 95 पॉइंट मिलते हैं। तभी जो लिन होता है उससे पूछता है आखिरकार तुमने खुद का स्क्रिप्चर कैसे बनाया, क्या तुम्हारे पास सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुमसे कोई तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करता ना इसीलिए। तभी जो बस होता है उससे बोलता है इस बुढ़े आदमी का दिल पूरी तरीके से टूट गया, मैं पूरी तरीके से तुमसे हार चुका हूँ। और जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है और उसे उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है उससे बोलता है अरे नहीं एक गेम ने तुम्हें सच में इतना ज़्यादा वीक बना दिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो कैसे होता है उससे बोलता है तुम आउटसाइडर कहीं के तुम मेरी उदास को मतलब सैडनेस को नहीं समझ सकते। और वो अपनी स्टोरी बताना चालू कर देता है, यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा होता है और बोलता है एक समय की बात थी जो जब इस टाउन में हर जगह पर चहल पहल बनी हुई हुआ करती थी। और तुम्हें मैं सच में
तुम्हें दिल से मैं मानता हूँ, तुम्हें मास्टर ऑफ द आर्ट। इसको देखने के बाद वैन गेस्टो से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो कोको होती है उससे कहती है, वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड थी क्या तुमने उसका स्टेच्यू बनाया है कभी? और तभी हमें दिखाया जाता है जो वैन गेस्टो, वो बोलता है, मैं किसी को दिखाना तो नहीं चाहता था, मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहता और किसी को दिखाना भी नहीं चाहता था, लेकिन जो गैस तुम्हारा जो कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मैं तुम सभी को अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ के बारे दिखाने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी गर्लफ्रेंड की मूर्ति और उसे बोलता है, कैसी है, सेक्सी है ना, एकदम कहीं जहर जैसी। और वो भाई किसको हंसी नहीं आएगी, मैं पॉज करके हंस लेता हूँ फिर बात करेंगे। भाई इसको देखने के बाद तो मेरा हंसी रुक ही नहीं रही है। और तभी जो लीला अपना डरावना चेहरा बनाता है उदास होते हैं और बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। और बोलता है, तो बेटर होगा कि तुम इसको वापस रख लो। तभी हमें दिखाया जाता है, हम यहाँ से अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, हम फिर किसी दिन मिलेंगे। और यहाँ पर दिखाया जाता है इनकी टीम यहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है। और तभी वैन गेस्टो से कहता है, मुझे नहीं पता कि अगर कब सैंड शैडो गोस्ट कहाँ पर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन यहाँ का आसपास का एरिया जो है पूरी तरीके से रेतल में बदल चुका है, सैंड में, मतलब डेजर्ट में बदल चुका है। यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम सिन सिटी है, तुम वहाँ पर जा सकते हो, शायद तुम्हें वहाँ पर कुछ क्लूज मिल जाए। तभी लिन उससे बोलता है, बहुत अच्छे, तुम बिल्कुल सही समय पर हमें बताया सिन सिटी के बारे में। तभी वैन गेस्टो उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सैंड बोट बनाई हुई है, भले ही ये एक दिन के लिए टिकेगी लेकिन ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगी सिन सिटी में जाने के लिए। फिर उससे बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हमें दिखाया सैंड बोट को, भाई रेत में ये बोट चल रही है एकदम झकास, और बोट तो देखो हाई लेवल की है एकदम पैक। तभी हमें सिन सिटी का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लिन की टीम आ गई होती है। तभी लिन उससे बोलता है कि मैंने सैंड, मतलब वैन गेस्टो को कहते हुए सुना था कि यहाँ पर गोस्ट और ह्यूमंस एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम सिंपल हैं, मुझे नहीं पता कि ये कहानी सही है कि नहीं, सच है कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एक इंसान को, यहाँ पर वो बैठा होता है और बोलता है, मुझ पर एक फेवर करो और मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी आंखें ब्लाइंड हैं। और पीछे एक गोश्त देख रहा होता है, और तभी उस गोश्त में गोश्त का हाथ आता है और उसको लूटने की कोशिश करता है, और जो बंदा होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है जो गोश्त होता है उसका पैसों का कटर लेकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। तभी वो इंसान भी वहाँ से भाग उसका पीछे पड़ता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चुराने की। इसको देखने के बाद हंसते हुए बोलता है, कितने सिंपल लोग हैं यार, यहाँ पर इस गोश्त ने वाकई उस अंधे आदमी की मदद करी उसकी आंखों का इलाज करने के लिए। तभी जो हमें होती है वो कंफ्यूज होती है और उससे बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो चुकी है तुम्हारे सिंपलिसिटी ऑफ द, मतलब पीपल के सिंपलिसिटी के बारे में। और तभी हमें दिखाया जाता है लिन को, और लिन के सामने अचानक से कोई आता है, एक बुढ़ा आदमी एल्डर जैसा कुछ होता है। तभी वो उसके पास आता है लिन से और पूछता है, मुझे लगता है तुम लोग यहाँ पर ट्रेवलर्स हो जो बाहर से आए हो, क्या तुम्हें किसी की ज़रूरत है यहाँ पर पिक्चर लेने के लिए? और इसी बड़ों के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आइए वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।